नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या अपराधी तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस कर्मियों की सहायता करते हैं उनके जाबाज साथी, जिनकी सूंघने की क्षमता बेजोड़ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड की। सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाने से लेकर अपराधी से जुड़ा कोई भी अहम सुराग ढूंढने तक हर गतिविधि में पुलिस का साथ देते हैं ये सुपर डॉग्स। आइए मिलवाते हैं आपको भी इन सुपर डॉग्स से। दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान 2400 घंटे दिल्ली की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं और इसमें उनकी मदद करता है दिल्ली पुलिस का डॉग स्क्वाड। इस डॉग स्क्वाड में एक से एक बेहतरीन डॉग्स हैं जो ट्रेनिंग पाकर बखूबी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इनकी मदद से पुलिस संगीन आपराधिक वारदात के बाद घटना स्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर अपराधी के खिलाफ सबूत जुटाती है। पूर्णतः प्रशिक्षित ये डॉग्स ऐसे हीरो हैं जो हर पल चौकस रहते हैं और पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर अपराधियों की धरपकड़ को आसान बनाते हैं। दिल्ली पुलिस का K9 स्क्वाड 1967 में शुरू हुआ था और फिलहाल हमारे पास 10 लोकेशंस पे डॉग स्क्वाड हैं। ये विभिन्न प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, सुरक्षा संबंधी ड्यूटी, नारकोटिक्स को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। जो हमारे डॉग हैं वो बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड हैं और दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। क्राइम ब्रांच के नियंत्रण में दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड के ये डॉग्स अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ट्रेड फेयर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, व्यस्त बाजारों और अन्य बड़े आयोजनों के समय विस्फोटकों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। डॉग्स का छोटा स्क्वाड रोजाना उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की दैनिक जांच भी करता है। खासकर डॉग्स का इस्तेमाल विस्फोटक का पता लगाने, मादक पदार्थों को ढूंढने, घरों, वाहनों, भवनों में साक्ष्य और अपराधी के छिपने के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। डॉग्स को VVIP सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स में, जैसे कि हमारे जहां भी VVIPs आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, फॉरेन डिग्निटरी आते हैं, वहां पे बाकी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे मॉल हो गए, पार्किंग एरियाज हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उन सभी जगहों पर रेगुलर रूटीन के ऊपर डॉग्स, हमारे जो K9 स्क्वाड है, उसकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। वर्तमान में डॉग स्क्वाड में मुख्यतः 4 नस्ल के कुल 76 डॉग्स हैं। इनमें से 65 डॉग्स विस्फोटक को सूंघने में जबकि 8 डॉग्स साक्ष्य ढूंढने में माहिर हैं। वहीं 3 डॉग्स नशीला पदार्थ खोजने में सक्षम हैं। इन डॉग्स को 6 से लेकर 9 महीने तक की ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। दिल्ली पुलिस के डॉग हैंडलर्स दस्ते में 130 जवान शामिल हैं जो दिन रात डॉग्स की देखभाल करते हैं और कम से कम समय में मौके पर पहुंचने के लिए मुस्तैद रहते हैं। नारकोटिक्स वाले डॉग हैं, उनको नारकोटिक्स, जितने भी टाइप के नशे हैं वो उनको स्मेल कर सकते हैं। जो एक्सप्लोसिव वाले डॉग हैं, जिनको हम ट्रैकर बोलते, स्निफर बोलते हैं, वो किसी भी टाइप का अगर एक्सप्लोसिव है तो उसको वो स्निफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ इस गमले में या इस चेयर के नीचे या इस सूटकेस में, इस बैग में, यहाँ पे कहीं एक्सप्लोसिव छुपा हुआ है। और जो ट्रैकर डॉग है, ट्रैकर डॉग क्या काम करता है, जैसे कोई क्राइम हो जाता है तो क्राइम में मान लो अगर कोई जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है, अगर मान लो उसका कपड़ा उसको सूंघा दिया जाए तो वो ये पता कर सकता है कि ये कहाँ गया, किस डायरेक्शन में गया है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो सहायता प्रदान करता है, एक हमें रास्ता दिखाता है। अपने हैंडलर के साथ इन डॉग्स का अटूट रिश्ता होता है जो दिन रात इनकी देखभाल करते हैं। डॉग घरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। समय समय पर डॉग्स की मेडिकल जांच करवाने के साथ साथ इनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है।
जाहिर है ये डॉग्स अपनी सफलताओं के लिए जाने जाते हैं जो पूरी वफादारी और मुस्तैदी से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। जो इनके हैंडलर है वो अभी फिलहाल स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेके फिर इनके साथ एक बड़ी के तौर पे काम करते हैं, और जितना अच्छा दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है उसी के हिसाब से वो डॉग की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए उनको नहलाना धुलाना, साथ में रखना, खाना पीना, उसकी मालिश वगैरह की देखभाल हमारे जो डॉग हैंडलर है वही करते हैं। तो दोनों में एक दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, और बॉन्डिंग बनने के बाद जो वो फील्ड में ऑपरेशंस जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसी की कमांड को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। दिल्ली पुलिस लगातार अपनी क्षमता बढ़ाती रही है, इसी के तहत दिल्ली पुलिस में डॉग स्क्वाड का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस का डॉग स्क्वाड वर्ष 1967 में मॉडल टाउन और मंदिर मार्ग में 10 डॉग से शुरू किया गया था। पुलिसिंग में डॉग्स के महत्व और जरूरत को समझते हुए इनकी संख्या में वृद्धि होती गई और ये सिलसिला निरंतर जारी है। यकीनन डॉग स्क्वाड के डॉग्स दिल्ली पुलिस के ऐसे मूक प्रहरी हैं जो राजधानी की सुरक्षा में अपना अहम योगदान देते हैं और जिनकी वीरता और बहादुरी बेजोड़ है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दे, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। एम्पावर हर, ये हमारा एक प्रयास है, ये प्रयास है आप तक पहुंचने का और आप तक पहुंचाने का। कैसे कानून और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हमारी महिलाओं की बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं। ये प्रयास है आपको जागरूक करने का कि कैसे आप विक्टिम ना बने। ये प्रयास है आप तक पहुंचने का कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो आप मुझ तक कैसे पहुंचे और कैसे अपने आप को उस चुनौती के आगे जाने के लिए प्रेरित करें। अकेले नहीं आप। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद सेठी अक्षय गैंग के एक शार्प शूटर संदीप कश्यप को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी संदीप रोहिणी स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग कर फरार हो गया था। इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। छानबीन के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को
खुफिया सूचना हाथ लगी कि रोहिणी स्थित प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हुई फायरिंग का आरोपी मेहरौली क्षेत्र में आने वाला है। इस आधार पर क्राइम ब्रांच की सतर्क टीम वहां पहुंची और आरोपी की धरपकड़ के लिए मेहरौली में अहिंसा स्थल के नजदीक ट्रैप लगाया। इस दौरान पुलिस टीम को लाडोसराय की तरफ से एक संदिग्ध युवक बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जैसे ही उसे रुकने का इशारा किया, बाइक सवार युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए जवाबी फायरिंग की और मुठभेड़ के बाद युवक को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। स्पेशल सेल ने नीरज भवाना नवीन बाली गैंग के गैंगस्टर मुकेश उर्फ भोला को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस पर हत्या, हत्या की कोशिश, रॉबरी, डकैती और आर्म्स एक्ट के 15 मामले दिल्ली एनसीआर के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। दिसंबर 2023 में राजौरी गार्डन इलाके में स्थित हैंगओवर क्लब में इसने अपने साथियों के साथ गोलियां चलाई थी। इसके अलावा ये जहांगीरपुरी में 2 अलग अलग फायरिंग की वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को अपने इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन मिली कि नीरज भवाना नवीन बाली गैंग का कुख्यात बदमाश मुकेश नेताजी सुभाष पैलेस के नजदीक अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगा दिया। मुखबिर से मुकेश के आने का इशारा मिलने पर पुलिस ने इसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सरेंडर करने के बजाय इसने पिस्टल निकाली और पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की और इसे अपने काबू में कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद कर ली है। रोहिणी जिला पुलिस ने अमन विहार थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर हुई फायरिंग की गुत्थी को महज 48 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी निशांत, हरदीप और सौरभ को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने रोहिणी सेक्टर 20 में एक ज्वेलरी शॉप को लूटपाट के इरादे से टारगेट किया था। वहां पहुंचकर इन्होंने शॉप का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब ये ऐसा करने में असफल हुए तो आरोपियों ने गेट पर ही कई राउंड फायरिंग कर दी और फरार हो गए। अमन विहार थाने को इस घटना की सूचना PCR के जरिए मिली थी। फौरन एक पुलिस टीम ने मौका वारदात स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी ताकि आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। पुलिस ने CCTV कैमरा, टेक्निकल सर्विलांस और अपने गुप्तचरों की मदद से फायरिंग की वारदात में शामिल 3 आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने इनके ठिकानों पर रेड कर इन्हें दबोच लिया। इन्होंने कुछ टाइम पहले से रेकी करनी शुरू की। ये जो हरदीप नाम का शख्स है, इसका कोई डिस्टेंट रिलेटिव जो था वो अमन विहार एरिया से बिलोंग करते थे, तो उसके साथ इन्होंने कभी एक बारी विजिट किया था दुकान में। और इसके अलावा लास्ट वीक भी इन्होंने ट्राई किया अटैम्प्ट का, बट वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और जब 28 तारीख को ये इन्होंने दुकान में घुसने की कोशिश की, अगेन जब ये घुस नहीं पाए, रॉबरी नहीं कमिट कर पाए, तो अपनी डेस्परेशन में इन्होंने फायरिंग की। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण की गुत्थी को महज 36 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अपहरणकर्ता समीर को गिरफ्तार किया है। समीर की बीवी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी, जिसे वापस पाने के लिए आरोपी ने एक प्लान बनाया। इसके तहत समीर ने अपने साले का उस वक्त अपहरण कर लिया जब वो कापासेड़ा स्थित शॉप पर अपने पिताजी को कुछ सामान देने के लिए जा रहा था। इसके बाद उसने अपने फादर इन लॉ को कॉल कर बीवी और बच्चे को वापस भेजने की फिरौती दी। इसकी शिकायत पीड़ित ने कापासेड़ा थाने में कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों का गठन कर आरोपी की धरपकड़ के लिए लगा दिया गया। समीर को जब पता लगा कि वो पुलिस की रडार पर है, तो इसने डर के मारे बच्चे को INA दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दिया, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने समीर की तलाश तेज की और उसके लोकेशन को टेक्निकल सर्विलांस के जरिए महाराष्ट्र के अहमदनगर में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां गई और इसे पकड़कर दिल्ली ले आई। पश्चिमी जिला पुलिस ने स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू और इसे झपटमारी के मोबाइल फोन खरीदने वाले रिसीवर तुषार को दबोचा है। आरोपी सोनू पर पहले से 6 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज है। सोनू स्कूटी पर सवार होकर जाता और राह चलते लोगों का मोबाइल छीनकर फरार हो जाता।
झपटमारी के मोबाइल ये तुषार को बेच दिया करता था। तुषार उन फोन के पार्ट्स निकालकर आगे जरूरतमंदों को बेचकर पैसे कमाता था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुख्यात झपटमार सोम तिलक नगर स्थित पैसिफिक मॉल के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और उसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर मोबाइल रिसीवर तुषार को रघुवीर नगर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 33 मोबाइल फोन और चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने चोरी के मोबाइल खरीदने वाले आरोपी आयुब को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इसने दिल्ली एनसीआर और यूपी में मोबाइल चोरी और झपटमारी करने वालों से अपने संपर्क बना रखे थे। ये उनसे स्नैचिंग के मोबाइल फोन सस्ते में खरीद लेता था। इन फोन्स को ये किराए पर लिए गए कमरों में छिपा देता था। जब भारी मात्रा में मोबाइल इकट्ठे हो जाते थे तो ये खरीदार की तलाश कर उन्हें महंगे दामों पर आगे बेच दिया करता था। इसी तरीके से एक रोज जब आयुब भजनपुरा मार्केट में मोबाइल बेचने के लिए गया तो इसकी भनक मुखबिर के जरिए पुलिस को लग गई। फौरन एक पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल, 81 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मध्य जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले एक तस्कर सिक्की पर शिकंजा कस दिया है। इस पर दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 5 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। स्पेशल स्टाफ को अपने गुप्तचरों से सिक्की के पांडव नगर इलाके में आने की सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस वहां नाकेबंदी कर उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही सिक्की स्कूटी पर सवार होकर वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके घर पर छापा मारकर अलग अलग कार्टन से भरे शराब के 3,982 क्वार्टर और 10 लाख से अधिक रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने कुख्यात हथियार तस्कर फरमान को गिरफ्तार करते हुए अंतर्राज्य अवैध हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से हथियार लाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर समेत अन्य राज्यों में सप्लाई करता था। स्पेशल सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली कि अंतर्राज्य हथियार तस्कर गिरोह का एक सदस्य हथियारों की सप्लाई करने के इरादे से बस द्वारा दिल्ली के मोरी गेट स्थित बस पार्किंग में आने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 पिस्टल और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दक्षिण जिला पुलिस ने 1 करोड़ की नकदी लेकर फरार हुए एक दुकान के कैशियर ऋषभ और उसके 3 अन्य साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपियों में ऋषभ की पत्नी भी शामिल है। गुरुग्राम निवासी एक दुकानदार ने कोटला मुबारकपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि साउथ एक्सटेंशन स्थित उसकी दुकान का कैशियर बैंक में जमा की जाने वाली 1 करोड़ की नकदी लेकर फरार हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण जिला पुलिस फौरन हरकत में आई और पीड़ित व्यक्ति की दुकान के नजदीकी इलाकों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसी बीच पुलिस को टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मुख्य आरोपी ऋषभ के साथी सचिन यादव के बारे में जानकारी हाथ लगी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सचिन के ठिकाने का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी ऋषभ और वारदात में शामिल उसकी पत्नी को राजस्थान के भरतपुर जंक्शन से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से चुराए गए 1 करोड़ रुपयों में से कुल 93,46,000 रुपए की नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में मोहम्मद नासिर शेख नाम के एक शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जिले में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए पुलिस टीम ने इलाके में चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र में सक्रिय चोरों के गिरोह और चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई थी। इसी दौरान चेकिंग करते हुए पुलिस ने कबीर नगर में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में संदीप, कृष्ण और कार्तिक शर्मा नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस द्वारा जिला क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दिल्ली के राजोकरी गांव में छापेमारी कर एक वाहन चोर संदीप को गिरफ्तार कर लिया। इससे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उससे चोरी की बाइक खरीदने वाले अन्य दोनों आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।
पश्चिमी जिला पुलिस ने ठगी करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पैसा दोगुना करने का लालच देकर भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। इनका शिकार बने एक व्यक्ति ने नारायणा पुलिस थाने में अपने साथ हुई 25 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आ गई और छानबीन करते हुए पीड़ित को आरोपियों से मिलवाने वाले शख्स पिंकू को धर दबोचा। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने ठगी की वारदात में शामिल दो अन्य आरोपी राजीव और निशांत को दिल्ली के मोहन गार्डन से काबू कर लिया। इसके साथ ही इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर सिंडिकेट में शामिल अन्य 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगे गए 25 लाख रुपए में से 16.5 लाख रुपए और 12 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिले की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों ने सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों के नाम पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर गूगल पर डाले हुए थे। इन्हीं नंबर पर कॉल करने वाले लोगों को ये उनके प्रोडक्ट के पैसे वापस करने का झांसा देकर उनके बैंक खाते और पेमेंट वॉलेट की सारी जानकारी लेकर धोखे से लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया करते थे। इसी तरीके से इन्होंने पंचशील पार्क इलाके में रहने वाली एक महिला से 1,29,000 रुपए की ठगी की थी। शिकायत मिलने पर दक्षिण जिले की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने रकम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल खातों और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पता लगाया कि ठगी करने वाले आरोपी पटना में बैठकर ठगी की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। फौरन एक पुलिस टीम वहां गई और इन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इनके कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल 6 मोबाइल फोन, एक पासबुक और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने और उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अलग अलग स्थानों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसी कड़ी में नानकपुरा स्थित स्पूवॉक की टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 18 स्थित भारतीय एयरटेल सेंटर में एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें 500 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप के दौरान महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध उनके अधिकारों सहित कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ साथ ही महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और कोतवाली पुलिस थाने की टीम ने आरबीआई के साथ मिलकर चांदनी चौक मार्केट में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके जरिए लोगों को वित्तीय अपराध से बचाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान वित्त विशेषज्ञों व पुलिस टीम ने लोगों के वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े सवालों के जवाब दिए और किसी भी लेन देन के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की। दक्षिण पूर्वी जोन की पीसीआर यूनिट ने एक बुजुर्ग महिला को उसके परिवार से मिलाने का कार्य किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 80 वर्षीय महिला नेहरू नगर इलाके में स्थित एक गुरुद्वारे के पास बैठी है, जो अपने परिवार के सदस्यों का नाम और पता नहीं बता पा रही है। फौरन पीसीआर टीम वहां पहुंच गई। महिला की पहचान से जुड़ा कोई सुराग हाथ लग सके, इसके लिए पुलिस ने उसकी फोटो लाजपत नगर इलाके के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दी। इसी का नतीजा रहा कि महिला के बेटे अमित अरोड़ा ने उसे पहचान लिया और बताया कि वो उसकी माँ है। इसी तरीके से पुलिस ने इस महिला को उसके परिवार से मिला दिया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताज़ातरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।